क्या पूजा सिंघल के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या पंकज मिश्रा के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या पत्थर के मामले में सवाल करना गुनाह है? क्या कोयला के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या बालू के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं उच्च न्यायालय में तथ्य के साथ, उस पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य मांगना क्या गुनाह है? स्पीकर साहब, आपको जितना बचाना है हेमंत सोरेन जी को बचा लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जुबान आप नहीं बंद कर सकते हैं। यह स्पीकर साहब को जरूर हम लोग कहना चाहेंगे। हम लोगों का यही कहना था कि पिंटू कौन है, पंकज मिश्रा कौन है, पूजा सिंघल पुरवार कौन है, इनके यहां से करोड़ों अरबों रुपया कहां से मिल रहे हैं, यह हम लोगों का सवाल था। हम लोगों का सवाल यह भी था कि जो झारखंड में कोयला का लूट मचा हुआ है, आयरन ओर का लूट मचा हुआ है, पत्थर और बालू का लूट मचा हुआ है, जिस पर पीआईएल में सीधे सीधे मुख्यमंत्री और उनके करीबी लोगों पर माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, उस पर सरकार के मुख्यमंत्री आकर के सदन में अपना वक्तव्य देने का काम कर, उसके बाद यह सदन शर्मसार हुआ। जब हम लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे तो आसन से विपक्ष के माननीय विधायकों को सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया। हम केवल यही जानना चाहते हैं और प्रदेश की जनता भी यही जानना चाहती है कि हम लोगों का कसूर क्या है। क्या पिंटू के मामले में सवाल करना गुनाह है? क्या पूजा सिंघल के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या पंकज मिश्रा के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या पत्थर के मामले में सवाल करना गुनाह है? क्या कोयला के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या बालू के बारे में सवाल करना गुनाह है? क्या मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं उच्च न्यायालय में तथ्य के साथ, उस पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य मांगना क्या गुनाह है? आज माननीय अध्यक्ष जी ने भी, जिनकी भूमिका निष्पक्ष की होती है, लेकिन वो भी पक्षपात करने का काम किया और विपक्ष के चुन करके विधायकों को निलंबित किया और बाद में विपक्ष के विधायकों को मार्शल आउट भी करने का काम किया। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और यह बात भी विश्वास के साथ और मजबूती के साथ कहना चाहते हैं, स्पीकर साहब, आपको जितना बचाना है हेमंत सोरेन जी को बचा लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जुबान आप नहीं बंद कर सकते हैं। यह स्पीकर साहब को जरूर हम लोग कहना चाहेंगे। हम लोग जनता की आवाज बन करके कल अकाल पर और आज भ्रष्टाचार पर जब हम वार करते हैं तो मुख्यमंत्री का कलेजा हिल जाता है। जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के विधायकों को फंसा करके जेल भेजने का काम हुआ, मुख्यमंत्री को इस पर वक्तव्य देना चाहिए था, आलमगीर आलम साहब को वक्तव्य देना चाहिए था। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इस पूरे षड्यंत्र में अगर कोई किन पिन है तो आलमगीर आलम साहब है, जिनके चलते आज तीन विधायक बलि के बकरा बनने का काम किए। इसलिए आज जो सदन के अंदर हुआ, या तो हम लोगों का सस्पेंशन हुआ हो या हमारे माननीय विधायक लोगों का मार्शल आउट किया गया हो, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और आगे हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जारी रखेगी। यह हम आप लोगों के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। मुख्यमंत्री का जो आरोप है, ये गुनाह है क्या? ये गुनाह है क्या? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, ये गुनाह है क्या? ये अनपार्लियामेंट्री है क्या? हम कोई तख्ती लेकर के गए थे क्या? किसी के ऊपर जूता फेंका क्या? किसी के ऊपर स्प्रे फेंके क्या? किसी के बारे में असंसदीय शब्द आप लोगों ने सुना क्या हम लोगों से? हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना कहां से गुनाह है? और अगर गुनाह है इस तरह का प्रोटेस्ट करना, भ्रष्टाचार के विरोध में बोलना, पीठ दिखाना, अगर यह गुनाह है तो भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं 1,00,000 बार यह गुनाह हम लोग करेंगे।